दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैगन टेक पर। आज हम बात करने वाले हैं Realme 2 Pro, Asus ZenFone Max Prime 1 6GB और Redmi Note 5 Pro 4GB वाले के बारे में। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए बिग बिलियन डे पर जो सेल आ रही है। और आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इन तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 का, और अगर अभी तक आपने स्वैगन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लगभग 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 5 Pro, और इसको भी मैं 2.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ Asus को, और इसको मैं 20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ Realme 2 Pro को। तो यहाँ पर तीनों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, तीनों की अलग अलग खासियत है। अगर मैं Redmi Note 5 Pro की बात करता हूँ तो यार ये काफ़ी क्लोज टू माई हार्ट है। इसको मैं, ये पहला ऐसा फ़ोन है जिसको मैंने इतने लंबे समय तक अपने पास रखा है एज ए प्राइमरी डिवाइस। उसके बाद अगर मैं Asus ZenFone Max Pro M1 की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर जो बैटरी है 5000 mAh की, मैंने Lenovo P2 यूज़ किया था 5000 mAh की बैटरी, उसको भी मैंने 6-7 महीने यूज़ किया था। अगर उसके अलावा कोई आपको बैटरी बैकअप देता है फ़ोन तो इससे बेटर नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं इस फ़ोन की बैटरी बैकअप से। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे Realme 2 Pro की, तो यार इससे खूबसूरत फ़ोन मैंने 14,000 रुपये की प्राइस रेंज में नहीं देखा है। जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, मैं रियर साइड की भी बात कर लूँ और अगर मैं फ्रंट साइड की भी बात कर लूँ तो खूबसूरती यानी कि लुक्स के मामले में 15,000 रुपये से कम की प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है। तो ये इन तीनों ही फोन्स की खासियत है। उसके बाद चलिए अब इनका कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ वाला मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताकर बोर नहीं करूंगा कि इसके अंदर आपको ये मिलता है, वो मिलता है, फलाना मिलता है। मैं डिस्प्ले की बात कर लेता हूँ। डिस्प्ले पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है Realme 2 Pro की। उसका कारण ये है कि यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, जबकि Asus में आपको और Redmi Note 5 Pro में आपको 18:9 वाला सिंपल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नॉच नहीं मिलेगी, जो कि थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है। और आज के टाइम में आपको पता है कि नॉच का ट्रेंड चला हुआ है, तो इसलिए, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, Redmi Note 5 Pro में मिलती है लेकिन Asus में आपको नहीं मिलती। तीनों ही फोन्स के जो व्यूइंग एंगल है और स्क्रीन की जो क्वालिटी है फुल HD प्लस की है, तीनों ही बहुत बढ़िया है, शानदार है। तीनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ब्राइट है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर Realme 2 Pro का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ बैक पैनल की, तो यहाँ पर वही कहानी आ जाती है। अगर आप चाहते हैं एक स्टडी फ़ोन तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max Pro M1 दोनों ही मेटल बॉडी के साथ यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर Realme 2 Pro जो है वो पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। इन टर्म्स ऑफ लुक Realme 2 Pro वाकई में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मैं सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो Redmi Note 5 Pro और Asus में से मैं एज देना चाहूँगा Asus ZenFone Max Pro M1 को। उसका कारण ये है कि यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद जो इन्होंने इस फ़ोन की थिकनेस रखी है वो बड़ी कमाल की रखी है, आई थिंक Redmi Note 5 Pro के बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर काफ़ी स्लिम फ़ोन ये दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने यार 5000 mAh की बैटरी इस तरह से पैक कर दी है इसके अंदर कि कोई मतलब पता भी नहीं चल सकता, तो इसलिए मैं इसका जो एज है इसको देना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम यार परफॉर्मेंस की। जी हाँ, आपको पता ही है कि Asus और Redmi Note 5 Pro में स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है। हालांकि 6-7 महीने पहले स्नैपड्रैगन 636 आ गया था मार्केट के अंदर। जी हाँ, Redmi Note 5 Pro पहला डिवाइस था जिसमें 636 आया था इंडिया के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं Asus भी उसको टक्कर दी काफ़ी उससे कम प्राइस में, 6GB रैम के साथ आया। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Realme 2 Pro आता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सोचने वाली बात है कि हम टेक्निकल लाइफ से हैं, हम टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, चाहे कोई भी हो, अगर आपको एक बेटर प्रोसेसर मिलता है सेम प्राइस के अंदर तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना कि आप पुराने प्रोसेसर के साथ जाना चाहेंगे या फिर लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जाएंगे। ये सवाल सिर्फ आपके लिए है कि यहाँ पर आप सेम प्राइसिंग में आप कौन से प्रोसेसर को प्रेफरेंस देंगे, अपग्रेडेशन को या फिर डिग्रेडेशन को। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का जवाब भी खुद मिल जाएगा। और एक और बात, यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 660 है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चिपसेट है, जबकि स्नैपड्रैगन 636 जो है वो AI को सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कुछ दे दिया जाए तो दे दिया जाए।
तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको तीनों ही फोन्स में कमाल की मिलती है। इवन रैम मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो एसूस का रैम मैनेजमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर मैं बात करता हूँ MI UI की तो बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन एड्स जो है ना Xiaomi ने डाल डाल के इतना बेकार काम कर दिया है कि यार लोग फेड अप हो चुके हैं उनसे, और उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी नेगेटिव आया इस चीज़ को लेकर। वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस का प्लान है ये जो एड्स डाल रही हैं। यार एक तो हम पैसे देके फ़ोन खरीदते हैं और पैसे देके फ़ोन खरीदने के बाद हम एड्स देखने के लिए नहीं खरीदते हैं उस फ़ोन को, तो ये चीज़ जो कस्टमर के साथ उनका फीडबैक है यार वो इतना प्रॉपर नहीं चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। वहीं पर Realme 2 Pro की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इनके UI में भी आपको कुछ ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलते, एक आधी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है लेकिन उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और Asus में तो आपको लगभग प्योर स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस मिलता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं मिलती, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और अगर आप खेलना चाहते हैं PUBG को तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप Redmi Note 5 Pro में HD सेटिंग्स पर नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, आप Asus Zenfone Max Pro M1 में HD सेटिंग्स पर खेल सकते हैं, Realme 2 Pro में भी आप HD सेटिंग्स पर खेल सकते हैं, और दोनों ही डिवाइस में आपको ये लैग वैग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे PUBG खेलने के दौरान भी HD ग्राफिक्स पर अगर आप खेल रहे हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं कहूँगा कि आप अगर गेमर हो तो यहाँ पर जा सकते हो Asus Zenfone Max Pro M1 के साथ, या फिर Realme 2 Pro जो कि एक अपग्रेड है Snapdragon 636 का। तो यार यहाँ पर ही बात ही वही है कि Redmi Note 5 Pro जो है वो वाकई में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस और मेरे हिसाब से मेरा पसंदीदा डिवाइस था पिछले 6 महीने से। लेकिन हमको पीछे का नहीं देखना है, हमको आज का देखना है और हमको आगे फ्यूचर का देखना है, क्योंकि अगर आप आज फ़ोन परचेज कर रहे हो तो उसको आप लगभग 1 साल या 1.5 साल 2 साल के लिए ही यूज़ करोगे, तो हमें फ्यूचर का देखना है। तो यहाँ पर क्योंकि Redmi Note 5 Pro आया था Android Nougat के साथ और यहाँ पर काफ़ी लेट मिला Android Oreo, लेकिन Android Pie के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और यहाँ पर MI भी अपने कस्टमर की आजकल सुन नहीं रहा है। वहीं पर बात करते हैं Asus की, तो यहाँ पर आपको Android Pie देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और आपको Realme 2 Pro में भी डेफिनेटली जो है ये Android Pie का अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं यार इनके कैमरा सेक्शन की, तो यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था। यहाँ पर अगर मैं रियर कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बेस्ट लगा है Realme 2 Pro, चाहे आप नॉर्मल पिक्चर्स की बात कर लीजिए, पोर्ट्रेट सैंपल्स की बात कर लीजिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन वहाँ पर हल्का सा जो उनका नॉइस कैंसलेशन माइक है वो प्रॉपर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, आवाज़ थोड़ी लो आती है। अगर मैं Redmi Note 5 Pro की बात करता हूँ तो यार अपडेट्स दे के इन्होंने अपने पिछले कैमरे की वाट लगा दी है। मैं सही बात बताऊंगा, जब ये आया था इसका कैमरा 1 नंबर का था, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होती गई, पता नहीं इसलिए कि यार इनका नेक्स्ट फोन जो MI A2 आने वाला था उसके लिए इन्होंने ऐसा किया था, मुझे नहीं पता। और Asus के कैमरे की बात करता हूँ तो यार इनके कैमरे में हमेशा शुरू से ही बग्स रहे हैं और अभी भी हैं, तो इनको तो काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ्रंट कैमरे की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर यार मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रंट कैमरे में अभी भी Redmi Note 5 Pro का फ्रंट कैमरा आपको इन दोनों से बेटर मिलता है। हालांकि बेटर है, Realme 2 Pro का भी कैमरा अच्छा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर का इशू है जो जल्दी सॉल्व कर देगा। मेरी बात हुई थी उनकी टीम से, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इसकी सेल स्टार्ट होगी उसके कुछ दिन बाद ये अपडेट जो है फ्रंट कैमरे के लिए आ जाएगा। और दोस्तों तीनों ही फोन्स के अंदर आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि Redmi Note 5 Pro में आपको हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलती है, जबकि Asus में और Realme 2 Pro में आपको जो है ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, तो ये भी एक डिफरेंस पैदा करता है इन तीनों स्मार्टफोन्स में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यार तीनों की बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर Realme 2 Pro में 3500 mAh की बैटरी आपको मिलती है, प्रोसेसर काफ़ी पावर एफिशिएंट है, 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। वहीं Redmi Note 5 Pro की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप बड़े आसानी से मिल जाएगा 4000 mAh की बैटरी के साथ। लेकिन अगर बात करते हैं Asus की तो यहाँ पर आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्टफोन दे देगा। बैटरी बैकअप के मामले में सबसे बढ़िया फ़ोन जो है Asus Zenfone Max Pro M1 है आज के टाइम में। वैसे अपने अपनी जगह पर ये तीनों ही स्मार्टफोन जो हैं वो प्योर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं, और अब जो बिग बिलियन डे पर इन पर डिस्काउंट है और यहाँ पर आपको HDFC कार्ड अगर यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि इन फोन्स को सुपर वैल्यू फॉर मनी जो है वो बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूँ, मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो देखिए एज ए टेक यूट्यूबर मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आपको कम प्राइस में आपको बेटर स्पेसिफिकेशंस मिले, अपग्रेडेशन मिले, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो Realme 2 Pro है वहाँ पर आपको Snapdragon 660 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में अभी तक किसी भी कंपनी ने हमें मुहैया नहीं कराया है। वहीं पर बात कर लेते हैं Asus की, तो वो भी इसी प्राइस पॉइंट में आपको 6GB रैम के साथ जो है वो दे रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड आपको मिलता है और एंड्रॉयड पाई भी मिल जाता है।
और अगर आप हैं MI के फैन तो Redmi Note 5 Pro भी अगर आप ले लेंगे तो आपको यार ये दुख नहीं होगा कि हमने पैसे वेस्ट कर दिए, इस चीज़ में कोई दोराय नहीं है। वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अगर आप 14,000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं Realme 2 Pro के साथ, और अगर आप थोड़ा सा कम बजट है तो आप Asus को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।